भारत में पहली बार इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से बना इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग टैब। अब आपको गर्म पानी मिलेगा सिर्फ 10 सेकंड्स में। अब गैस स्टोव पर पानी गर्म होने के इंतजार को कीजिए बाय बाय। अब आपको नहाने का पानी गर्म करते हुए बिजली का झटका नहीं लगेगा। इस टैब को आप बाथरूम की दीवार और किचन के बेसिन में फिक्स कर सकते हैं। ये इंस्टेंट हीटिंग टैब बना है ABS प्लास्टिक मटेरियल से, जो आपको देता है 60 डिग्री टेम्परेचर तक का गर्म पानी। खास तौर से सर्दियों में महिलाओं को किचन में सुबह सुबह हिम्मत ना होने पर भी ठंडे पानी से काम करना पड़ता है। उस पर अगर गैस पर पानी गर्म करें तो वक्त और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसे में इंस्टेंट हीटिंग टैब एक वरदान से कम नहीं होगा। किचन की सिंक और जिद्दी तेल से भरे बर्तनों की सफाई, सब्जियों और फलों को धोने से लेकर पुरुषों के लिए शेविंग जैसी आपकी कई छोटी मोटी जरूरतें गर्म पानी के बिना पूरी नहीं होती। पर अब इंस्टेंट हीटिंग टैब करेगा ये सारी जरूरतें पूरी पलक झपकाते ही। आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए इमर्जन रॉड, गैस स्टोव या गीजर का इस्तेमाल होता है, जिनमें पानी गर्म करने के लिए 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करना होता है। बिजली का भारी बिल आता है और गैस खर्च होती है। इस तरह से इनसे वक्त और पैसा दोनों की ही बर्बादी होती है, वो भी इससे जुड़े रिस्क के साथ। लेकिन हमारा इंस्टेंट हीटिंग टैब 10 सेकंड में आपको देता है गर्म पानी, वो भी कम बिजली की खपत के साथ। यानी ये बचाएगा आपका वक्त और पैसा दोनों ही, बगैर शॉक लगने या हाथ जलने के रिस्क से। तो फिर देर कैसी, अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करें। संपर्क राहुल आबा देवरी हैं जी, समर्थ इंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 15, सावता मार्केट, फुले कॉलोनी समोर, धुळे। मोबाइल क्रमांक 94216 17820, 75887 35720। सिटी चॅनल बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपले स्वागत। दिल्ली येथील JNU विद्यापीठात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करीत सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जोरदार निदर्शने करण्यात आली। दिल्ली येथील JNU विद्यापीठात गुंड प्रवृत्तीच्या विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यार्थ्यांवर भ्याड हल्ला करून अमानुषपणे मारहाण केली। ही घटना शिक्षण पद्धतीला काळीमा फासणारी आहे, म्हणून या घटनेचा निषेध करीत सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले। यावेळी संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी जोरदारपणे निदर्शने केली। याप्रसंगी सिद्धांत वाघूळ, प्रसेनजीत जगताव, जितेंद्र आहिरे, काजल मोरे, मनोज बगराळे, राकेश आहिरे, राहुल आहिरे, सुजित गेडा, मानसी पवार, वीरेंद्र नाईक, अक्षय वाडिले, प्रवीण कोळी आदी उपस्थित होते। मी सिद्धांत वाघूळ, सत्यशोर विद्यार्थी संघटनेचा जिल्हा अध्यक्ष। काल दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये ज्या गावगुंडांनी तिथल्या डाव्या आणि आंबेडकरवादी विद्यार्थ्यांवर नकळत हल्ला केला, त्यांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली, त्यामध्ये त्या विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी आणि तेथील संघटना अध्यक्ष यांना जबर मारहाण केली, त्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक देखील जखमी झाले आहेत। या भ्याड हल्ल्याचा सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना हा तीव्र शब्दात निषेध करते। आज सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना ही माननीय कलेक्टर साहेबांना त्या संदर्भात निवेदन देण्यासाठी जमले आहोत। लवकरात लवकर या हल्लेखोरांना कठोरात कठोर शिक्षा करावी अशी आमची मागणी आहे। आजादी।
मुलांच्या सामाजिक विकासासाठी अत्यंत प्रभावी उपयुक्त उपक्रम म्हणजे वार्षिक स्नेह संमेलन आहे, असे उद्गार मिस इंडिया स्मृती बटिंजा यांनी काढले. त्या सिंधू रत्नोत्सव 2020 स्नेह संमेलनाच्या दुसऱ्या सत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होत्या. साक्री रोडवरील सिंधू रत्नजी इंग्लिश स्कूलच्या सिंधू रत्न उत्सव 2020 या 2 दिवसीय स्नेह संमेलनाच्या दुसऱ्या सत्राचे उद्घाटन मिस इंडिया स्मृती बटिजा यांच्या हस्ते झाले. हिरेभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला त्यांनी मार्गदर्शन केले. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी सदस्य सुरेश कुंदवाणी हे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सिंधू रत्नचे माजी विद्यार्थी आकाश ज्ञानचंद आणि पुणा वाडेकर संस्थेचे कार्याध्यक्ष तनुकुमार दुशीजा, जेठानंद हसवाणी, जम्मू लखवाणी, राजकुमार तोलाणी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या स्नेह संमेलन विद्यार्थ्यांनी आपल्यातील कला सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. It's always so good कि एक सिंधी ने कुछ अचीव किया और उसके साथ एक अचीव करता है तो सब रुके रहते हैं. That to appreciate, that's the plus point of us सिंधी. कि हमको अच्छा लगता है किसी सामने वाले को भरता हुआ देखना and that is the plus point and this is the reason मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ सब एक दूसरे को इतना मोटिवेट कर रहे हैं. हर टीचर, मैं जब से आई हूँ सब टीचर्स मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है. एवरीबडी इज सो हम्बल एंड सो काइंड. उसके अलावा आई स्टार्टेड माई जर्नी अभी नहीं कुछ साल पहले. बचपन से ही मुझे मिस इंडिया करना था बट कैसे क्या आई डिड नॉट नो. ऑल आई न्यू वाज टू वर्क ऑन माई सेल्फ and one day to achieve it and that's what I did. It did not come to me easily, बिल्कुल भी आसान नहीं था. बहुत सारा मेहनत करना पड़ा था, बहुत ट्रेनिंग था, बहुत फेलियर्स भी थे बट एट द एंड यू नो ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक सही राह पे चलते रहो विद द राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ विद द राइट पेरेंट्स इन योर लाइफ देन यू एक्चुअली रीच टू अ फाइनल डेस्टिनेशन. तो मुझे लगता है मेरे साथ भी वही हुआ क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए बट आई डिड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक. आई वॉज ऑलवेज देयर हर ऑब्स्टैकल को हटाने के लिए और आई थिंक उसी रीजन की वजह से मैं यहाँ हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी वन फॉर वेलकमिंग मी सो नाइसली. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरी वन. ऐसे ही अपने बच्चों को एनकरेज करते रहे क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया होता तो मैं यहाँ होती, बिल्कुल नहीं होती. बिकॉज दे हैव एनकरेज मी जब मुझे समझ भी नहीं थी. दे यूज टू सेंड मी फॉर डांस क्लासेस, फॉर एक्टिंग क्लासेस, फॉर ड्रॉइंग क्लासेस, फॉर व्हाट नॉट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स रियलाइज करें टू लेट देयर चाइल्ड डू व्हाट दैट पर्सन इज गुड एट. जिसमें वो अच्छा है, अच्छी है, उसको वो करने दीजिए. Because then that the students backstage all the very best for your performance. I am sure everybody is gonna rock it. Apna hamesha best do and I'm here watching y'all and I'm very excited for your performance. Last but not the least, much I'm proud of our Sindhi Thante. Shorty punna ek nazar thak ghadamudinwar. पत्रकार दिनानिमित्ताने पोलीस दलातर्फे पत्रकारांचा करण्यात आला सत्कार. घोगरे विज्ञान महाविद्यालयाच्या स्वयंसिद्ध अभियानांतर्गत घेण्यात आला कार्यक्रम. वीर सावरकर कितने वीर या पुस्तकावर बंदी घालावी, विश्व हिंदू परिषदेसह इतर संघटनांनी केली मागणी. JNU विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मॅड हल्ल्याच्या सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेतर्फे करण्यात आला निषेध.
आजच्या दुसऱ्या सत्राचे उद्घाटन. याबरोबरच सिटी चॅनल बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसंगात. तोपर्यंत नमस्कार.